Hello everyone. So today in this video we'll discuss about the application of Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है जी, तो मैं हमें लास्ट क्लास से डिस्कशन करती ले कि Heisenberg's uncertainty principle basically तो स्टेटमेंट आउ तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो स्टेटमेंट कौन थी कि इफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डिरेक्शन ताहले तार पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमिंड साइमल्टेनियसली एक सांगरे एंड आकुरेटली परफेक्टली आम डिटरमिन करें एक सांगरे कौन ना पोजिशन एंड मोमेंटम को. तो तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिला डेल्टा एक्स इंटु डेल्टा पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वाल्स टू एच क्रस बै टू. यहाँ तार Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिला. डेल्टा एक्स कौन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी एक्स हूँ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. एक्स एंड पी एक्स आर कैनोनिकली कंजुगेट पेयर्स. तो ये आम लास्ट क्लास रे डिस्कशन करते. तो आज आम जा एप्लीकेशन को. तो Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेशन कौन दिस ए प्रिंसिपल को यूज करो फेनोमेना फिजिक्स जोड़ा कि आम एक्सप्लेन करें. तो तार फास्ट एप्लीकेशन हूँ non existence of electron inside the nucleus. इटा हूँ तार फास्ट एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भीतर एक्जिस्ट करेनि बोली इटा को प्रूव करहेला थ्रू दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक अच्छे, तो आम आगे जानी कि इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भितर एक्जिस्ट करेनि यहाँ समस्त को जाना अच्छी इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस चारिपटे बुले बाय फॉर्मिंग ए सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन है गोटे पर्टिकुलर वेल डिफाइंड पाथ्रे जोटा कि आम ऑर्बिट बोली कहूँ इलेक्ट्रॉन टा बुले. ये स्ट्रक्चर टा समस्त को जाना थी आगुरी जोटा कि 1913 रे बोर्ड हाइड्रोजन मॉडल जितेबाला देते से कही कि इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस चारिपटे गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट्रे घूरे. किंतु Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के 1927 रे आसला. तो से पर्यंत यहाँ को मैथमेटिकली प्रूव कराही पार नथिला कि इलेक्ट्रॉन टा रियली एक्जिस्ट करे न्यूक्लियस भितर कि न्यूक्लियस चारिपटे बुले जोटा कि मैथमेटिकली प्रूव कराही नथिला. तो सेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आसला परे प्रूव कराही पारला. केमती देख, फास्ट आम आज्यूम करवा कि इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भितर एक्जिस्ट करे. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, आम आज्यूम कले कि इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भितर अच्छी एंड दिज आर द ऑर्बिट्स. एटा आम आज्यूम कले. ठीक अच्छे, तो आम लिखिपर फास्ट कि लेट अस आज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस फास्ट आज्यूम कले. देख, जब न्यूक्लियसटा इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भितर एक्जिस्ट करुच्ची ताहले तार अनसर्टेनिटी इन पोजिशन के हम न्यूक्लियस आम जानचे न्यूक्लियस रेडियस होउची. सपोज दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. गोटे न्यूक्लियस रेडियस होउची नियरली 5 फेमटोमीटर. वन फेमटोमीटर के 10^-15 मीटर. सो 5 फेमटोमीटर के 10^-15 मीटर हम है. यहाँ हूँ न्यूक्लियस रेडियस. जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस भितर अच्छी ताहले तार सी से रेडियस भितर ही मूव कर सब बेले. तार बाउंड्री हूँ से 10^-15 मीटर अर्डर रे. ठीक अच्छे, तेल अनसर्टेनिटी इन पोजिशन अफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट एक्जिस्ट इन साइड द न्यूक्लियस जोटा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू के 5 × 10^-15 मीटर है. आमर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ताले केते हबो आमे पोजिशन जानिले अनसर्टेनिटी मोमेंटम आमे बाहर करिबा ए प्रिंसिपल को यूज करिकी. तो डेल्टा पी एक्स देख, जितेबेले मैथमेटिकल डेरिवेशन किछि भी करिबो जोटा मुझे लास्ट क्लास रे कहितली सेतेबेले तमे नियरली इक्वल्स टू
एक्जिम कर नाई ग्रेटर देन इक्वास टू बदल में लिखिपर नियरली इक्वास टू एच क्रस बै टू ठीक अच्छे डेल्टा पीएक्स के हम डेल्टा पीएक्स हम एच क्रस बै टू डेल्टा एक्स एच क्रस वैल्यू जाना अच्छी के 1.05 इंटू 10^-15 सॉरी -34 डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स वैल्यू के डेल्टा एक्स होची 5 इंटू 10^-15 है आपको सॉल्व करले के आस 5 × 2 10^-14 ही जीवो इटा कितने हबो 1.05 इंटू 10^-20 है तर यूनिट कते हबो इटा होची मोमेंटम मोमेंटम जेहेतु तर मास इंटू वेलोसिटी मास यूनिट होची केजी वेलोसिटी होची मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड एतिके हला आंसर 20 इन मोमेंटम ठीक अच्छे तो तापरे हमें देखिबा देखो डेल्टा एक्स मिलला डेल्टा पी एक्स मिलला ताहले हमें जानचे रिलेटिव एज इलेक्ट्रॉन इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जदि हला तर एनर्जी केते हबो रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन केते ना इ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर वेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे रिलेटिविस्टिक केस रे रेस्ट मास एंड एम जीरो सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कौन हुए ना रेस्ट मास एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन इट्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर सो एम नॉट सी स्क्वायर सॉरी एम नॉट स्क्वायर सी फोर इज वेरी वेरी लेस देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मुझे लिख पारि तो ये क्वांटिटी को आम नेग्लेक्ट कर टेन्स टू जीरो कर स्क्वायर एट के इ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर है ये आम पाइले तो एबे आम लिखिपर तर रूट ओवर नहीं जा बोथ साइड रे ताले इ के हम इ इक्वल्स टू पी इंटू सी है ये आम पाइले पी रे वैल्यू ये जाना अच्छे हमको कितने पी एम के 1.05 इंटू 10^-20 सी कौन ना वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम तो सी रे वैल्यू के 3 × 10^8 जोटा के हम नियरली 3.16 इंटू 10^-12 जूल एनर्जी रा यूनिट एठी जूल रे में पाइले तो जूल को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट कर पार 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते जूल 1.6 इंटू 10^-19 जूल ताले 1 जूल केते इलेक्ट्रॉन वोल्ट हबो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-19 तो ये डिवाइड करदेव के 1.6 × 10^19 तेत आसर देख नियरली 20 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आस जोटा कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतक आमको मिलला कौन ना एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जदि से एक्जिस्ट कर न्यूक्लियस भितर है तार एनर्जी हवा दरकार जदि गोटे न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉनटा एक्जिस्ट करुच्चे तार एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हवा दरकार जोटा आम पाइले हाइजेनबर्ग आंसर 20 प्रिंसिपल यूज किंतु आ गोटे मेन कथा होची जिते बड़े बीटा डिके हुए गोटे न्यूक्लियस तीन प्रकार डिके थाए अल्फा बीटा गामा ये तो जानथिबो
बीटा डिके टा बीटा डा कौन की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ई माइनस और ई प्लस एटा होची बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जितेबाले गोटे न्यूक्लियस रु बीटा डिके जितेबाले हुए सही टाइम रे जो इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी बाहर न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियस रिएक्शन करिकी जितेबाले बीटा डिके हुए तार एनर्जी देखा गला कि नियरली 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। तो एतिकी एनर्जी रेंज भितर गोटे बीटा पार्टिकल रो एनर्जी हुए जो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव डिके रे देखा जाय थिला आगुरु। किंतु आमे एठी पाइले कोन 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोटा कि बहुत फार फार बिगर देन दिस वैल्यू। तो जदि गोटे न्यूक्लियसटा न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉनटा रहिब ताले तार मिनिमम एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हवा दरकार। किंतु बीटा डिके देखाला कि 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहुची एक्चुअली। तेणु इथ्रु प्रूव हेला जे न्यूक्लियस भितर इलेक्ट्रॉन एक्जिस्ट करेन। ठीक अच्छे। सो फ्रॉम दिस लिख लास्ट को कि फ्रॉम दिस तुम लिख कि ड्यूरिंग बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस इट वाज ऑब्जर्व दैट एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इन द रेंज ऑफ दिस 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रॉम दिस इट इज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन is not exist inside the nucleus। तो एटा प्रूफ हैला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू। तो एटा गला तर फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक अच्छे। तापर आम जीबा सेकेंड एप्लीकेशन को। सेकेंड एप्लीकेशन कौन एप्लीकेशन टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम रो ग्राउंड स्टेट एनर्जी केते एटा आगुरु पढ़ाई थी। हाइड्रोजन एटम रो ग्राउंड स्टेट एनर्जी केते हाइड्रोजन एटम रो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उटा के मन पड़ नथु हम जानी तो डेरिवेशन लास्ट को ठीक से मन पड़ो सर एनर्जी हाँ एक्चुअली एति की बोली। ठीक अच्छे। तो आम फास्ट कैलकुलेट कर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम थ्रू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक अच्छे। सपोज दिस इज वन ऑफ द ऑर्बिट एंड दिस इज द न्यूक्लियस एटा हूँ तर फास्ट ऑर्बिट। फास्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉनटा सर एक्जिस्ट करुच्ची ताले तर एनर्जी को आम कहू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को आम कहू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक अच्छे। तो मिनिमम एनर्जी फर्स्ट आम लिखा इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जदि इलेक्ट्रॉन टा तार ग्राउंड स्टेट रही सपोज आम रेडियस टा को थोड़ा आर बोली कह आर उत्तर रेडियस। लेट आर इज द आरटा दे कौन हम जमी नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रूव करते इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस भितर रोचे तार रेडियसटा तार अनसर्टेनिटी इन पोजिशन के रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। एबे जदि गोटे आर डिस्टेंस रे इलेक्ट्रॉनटा मूव करुच्छे गोटे ऑर्बिटर डिस्टेंस होची रेडियस होची आर तेल तर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन के आर हम। सो आर इज लेट आर इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन हम। ठीक अच्छे। तापर डेल्टा एक्स डिनोट को सपोज आम डिनोट कले तर अनसर्टेनिटी पोजिशन को डेल्टा एक्स हम आर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन कौन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय टू। ये मुझे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स को नियरली इक्वल्स टू एच क्रॉस कहीं केस मोर 1/2 दरकार नहीं। तो 1/2 जेहेतु बहुत स्मॉल क्वांटिटी तो ये मुझे नेग्लेक्ट करी तो नियरली इक्वल्स टू एच क्रॉस मुझे लिखिपरि। तो
तो डेल्टा पी एक्स कितने हम डेल्टा पी एक्स हम एच क्रॉस बाय आर एटा फर्स्ट तरह इक्वेशन वन ठीक अच्छे। तापर सब आम ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिटरमिन करिया तो फर्स्ट तर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हम काइनेटिक एनर्जी धर टी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जोटा कि टोटल एनर्जी आम धर इ कह इज इक्वास टू टी प्लस भी। तो गोटे इलेक्ट्रॉन जदि गोटे हाइड्रोजन आटम अच्छी इलेक्ट्रॉनटा मूव करुच्ची तर काइनेटिक एनर्जी के पी स्क्वायर बाय टू एम पी स्क्वायर बाय टू एम हूँ तर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ना माइनस के स्क्वायर बाय आर माइनस के स्क्वायर बाय एटा केमती मुझे पाइली देख आम फोर्स रू डिटरमिन कर तार एनर्जी को तार फोर्स है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर ये हाइड्रोजन आटम मान तर गोटे प्रोटन अच्छी प्रोटन चार्ज हो ची प्लस प्लस ई माइनस ई क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर सेटा के माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है फोर्स फोर्स इज इक्वल टू के माइनस डेल बी बाय डेल आर तो यू तुम डिटरमिन माइनस माइनस कैंसल हो तो आर इंटीग्रेशन नहीं डेल भी भाई डेलर जब ये तर भी कैलकुलेट कर पार कि ना इंटीग्रेशन करी तो इंटीग्रेशन कले के माइनस के स्क्वायर बाय आर आस एटा गला टोटल एनर्जी इक्वेशन है यहाँ सपोज इक्वेशन टू तापर आम देख पी वैल्यू डेल्टा पी एक्स आम के पाइचे एच क्रॉस बाय आर तो आम लिखिपर इज इक्वल्स टू पी जगह आम पुट करच क्रस डिवाइड बाय आर के हम एच क्रस स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय आर यहाँ हम टोटल एनर्जी एतिकी हैला यहाँ है इक्वेशन थ्री। आम ए डिटरमिन करवा तर ग्राउंड स्टेट एनर्जी के मानते मिनिमम एनर्जी केते इ मिनिमम वी हैव टू फाइंड आउट इ मिनिमम केते सेटा केमती हमें फाइंड आउट करबा तर रूल कौन जदि इ अच्छी विथ रिस्पेक्ट टू आर माने को डिस्टेंस रे केते डिस्टेंस रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिनिमम हमें केमती डिटरमिन करबा ना एनर्जी रो फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नै जिबा विथ रिस्पेक्ट टू आर हमको एटा डिटरमिन करबार अछि डेली बाय डेल आर फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आम तार रूल हूँ से फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं इक्वल्स टू जीरो आम करवा इक्वल्स टू जीरो करके आम आर वैल्यू डिटरमिन करवा मैंने से आर मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस रे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिनिमम तो ये आम फास्ट कैलकुलेट कर डेल्टा ई बाय डेल्टा आर के इक्वल्स टू जीरो पुट करवा तो डेल्टा ई ऑलरेडी आर फॉर्म रे अच्छी तो यहाँ के हम तेल माइनस टू एच क्रस स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम आर क्यू हो आर डेरिवेटिव कले एटी के प्लस हो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होटा को जीरो कराला एवं कैलकुलेट कर केते आर वैल्यू केते आसुची ए इक्वेशन को सॉल्व करी केते आसीबो आर वैल्यू आम करवा टू टू कैंसल हो गला के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सेटा केते हबो एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम आर क्यू तले आर वैल्यू केते हला आर वैल्यू हबो एटा आर स्क्वायर आर क्यू कैंसल हो गले आर एपट को पड़े केते हबो एच क्रॉस स्क्वायर बाय के एम ई स्क्वायर एतिके हला आर रो वैल्यू एटा होची आर मिनिमम इतनी डिस्टेंस रे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिनिमम हम जोटा कि तार ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो आर वैल्यू यटा को कौन कहती हाइड्रोजन आटम रे बोर रेडियस कहती जोटा कि एनर्जी रे डिफाइन करा जाए तो कहती बोर रेडियस हैला तले एबे कैलकुलेट कर सब वैल्यू जाना अच्छी एच क्रॉस रे वैल्यू केते 1.05 * 10 टू द माइनस 34 के रे वैल्यू केते केयर वैल्यू हूँ 9 * 10 टू द 9 * 10 टू द 9
ताले बो रेडियस रे वैल्यू डिटरमिन करा एठी 1.05 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 रो होल स्क्वायर डिवाइड बाय के रे वैल्यू केते 9 इनटू 10 टू द पावर 9 एम होची मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 ई स्क्वायर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्क्वायर 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 रो स्क्वायर इटा कैलकुलेट करले बोर रेडियस हम केते आसीबो 0.53 आर्मस्ट्रांग 1 आर्मस्ट्रांग होची केते 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एतिकी आसला बोर रेडियस आर मिनिमम मिली गला हमको एबे हमे आर मिनिमम को पुट करिबा इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 रे हमे आर वैल्यू पुट करले हमको मिनिमम एनर्जी मिल जइबो त एबे एबे करो आर वैल्यू पुट करो केते होबो लिखिबा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन केते होबो ना इक्वेशन टा केते अछि एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर बाय आर इक्वेशन 3 तो हमें अभी पुट करिबा सेथरे एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m आर जगह आर केते अच्छे हम पाइले एच क्रॉस स्क्वायर बाय के एम ई स्क्वायर हला तो एच क्रॉस स्क्वायर बाय के एम ई स्क्वायर रो होल स्क्वायर तो थिला एच क्रॉस बाय स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर तो आर रो होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय आर के स्क्वायर डिवाइड बाय आर केते पॉइंट पुट करिबो एच क्रॉस स्क्वायर बाय के एम ए स्क्वायर तो एटा केते आसीबो सॉल्व करले ना माइनस के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 एच क्रॉस स्क्वायर तो एटा एबे कैलकुलेशन करो जे के रे वैल्यू एठी पखेबो केते 9 इनटू 10 टू द पावर 9 एम जगह रे 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 ई जगह रे 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 एच क्रॉस जगह रे पकेबो केते ना 1.05 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 तो सब वैल्यू मु कहि देली एबे एटा नेगेटिव साइन अछि एटा कैलकुलेट करो केते जति के आसीबो सेतिक होची तमे पाई परिबो जे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम केते एटा डिटरमाइन करले मने पड़ जीवो केते थिला हमरा हाइड्रोजन एटम सेटा मेरी गेली मैच करू छी कि नहीं सेटा जाना पड़ जीवो ठीक अछि तो एटा गला तारा सेकंड एप्लीकेशन एबे हमें जीवा थर्ड एप्लीकेशन को थर्ड एप्लीकेशन कोन सेम ती सेम प्रोसेस रे जेमती हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम डिटरमाइन करले सेम ती हमें प्रूव करिवा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एस एच ओ तरह होची शॉर्ट फॉर्म ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर केते हबो सेम प्रोसेस रे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कोन मिनिमम एनर्जी स्टेट तमे हम फर्स्ट डिटरमाइन करियो तरह काइनेटिक एनर्जी केते पोटेंशियल एनर्जी केते सपोज गोटे सिंपल हार्मोनिक मोशन अछि गोटे पार्टिकल अछि मास से मूव करूची एक्स डायरेक्शन रे मूव करूची ठीक अछि ए डिरेक्शन रे मूव करले तरह काइनेटिक एनर्जी केते हो टी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m एट पी एक्स स्क्वायर बाय 2m लिख परबी एक्स डिरेक्शन रे मूव करू छी तरह पोटेंशियल एनर्जी केते हो हाफ के एक्स स्क्वायर एट तुमको जाना छ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढले बेले जानि थिबो कि हाफ के एक्स स्क्वायर तो के रे वैल्यू केते एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर एदिटा तुमको जाना छ तले टोटल एनर्जी केते हबो टोटल एनर्जी हबो पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एटा होची टोटल एनर्जी हैला ता जदी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स ए केस रे जदी हबो ए पार्टिकल अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर द अनसर्टेनिटीज इन पोजिशन एंड मोमेंटम रेस्पेक्टिवली
डेल्टा एक्स है अनसर्टेन इन पोजिशन एंड डेल्टा पी एक्स है अनसर्टेन इन मोमेंटम तेल आम इ जगह लिखिपर पी एक्स जगह आम लिखिपर डेल्टा पी एक्स होल स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा नॉट रो स्क्वायर डेल्टा एक्स रो स्क्वायर ठीक अच्छे। तो आमको दरकार कौन मिनिमम एनर्जी तो कितने डिस्टेंस रे तार मिनिमम एनर्जी जमी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करते ई को पूरा आम लिखे विथ रेस्पेक्ट टू आर फॉर्म रे हमें लिखे देख ये ई को लिखा जाता आर फॉर्म रे तापर आम तर फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कि जीरो करते आर वैल्यू डिटरमिन करते आर वैल्यू डिटरमिन करी पुणी से इक्वेशन ने आर वैल्यू पुट करते एनर्जी इक्वेशन रे सो दैट आमको मिली ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिनिमम एनर्जी मिली सेम थिंग ए केस कौन करवा ना एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एक्स रे डेल्टा एक्स रे आम फास्ट लिखा तापर तर डेरिवेटिव नहीं जा फास्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स तापर आम डेल्टा एक्स रे वैल्यू को डिटरमिन करवा देन आम पुट करवा इक्वेशन सपोज इक्वेशन को देदे इक्वेशन इक्वेशन वन देदे तो ये इक्वेशन आम देन पुट करवा तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनुसार डेल्टा पी एक्स के हम डेल्टा पी एक्स हम एच क्रॉस बाय टू डेल्टा एक्स जेहेतु डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स नियरली इक्वल्स टू एच क्रॉस ओवर टू है तो ये डेल्टा पी एक्स एति मिलला नाउ एनर्जी के हम एच क्रॉस रो स्क्वायर डिवाइड बाय टू टू जो फोर इंटू टू एट एम डेल्टा एक्स रो स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेमती रही है पोटेंशियल एनर्जी तो डेल्टा एक्स फॉर्म रे अच्छी ना तो रही है कैसे हाफ एम ओमेगा नॉट रो स्क्वायर डेल्टा एक्स रो स्क्वायर है तापर आम आपको फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कि जीरो करवा विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स रे सो आम कर डेल्टा ई डिपेंड बाय डेल्टा डेल्टा एक्स रे करवा इक्वल्स टू जीरो यहाँ के हम माइनस टू एच क्रॉस रो स्क्वायर डिवाइड बाय एट एम डेल्टा एक्स क्यू प्लस टू 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 कैंसल हो गले आम के पाइबा एम ओमेगा नॉट रो स्क्वायर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो जीरो पुट करके आमर ये दरकार कौन डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स स्क्वायर दुटा जगह अच्छी डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर तो आम डेल्टा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर दे कि एनर्जी इक्वेशन रे पुट करदे तो यहाँ के आसव आम सॉल्व कर फास्ट यहाँ के आसला इम्प्लाइज एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स ये क्वांटिटी को इपोर्ट साइड को नहीं गले के प्लस हो प्लस टू टू कैंसल हो गले फोर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय फोर एम डेल्टा एक्स क्यू ताले डेल्टा एक्स क्यूटा एपट साइड को आसले मल्टीप्लिकेशन हो डेल्टा एक्स होल टू द पावर फोर फोर हो क्वांटिटीटा एपट साइड को नहीं आसबी एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाय फोर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एटा हला डेल्टा एक्स टू द पावर फोर ताले डेल्टा एक्स टू द पावर टू के हम डेल्टा एक्स द पावर टू के हम इटी एच क्रॉस बाय टू एम ओमेगा इतक बाहर यहाँ को इक्वेशन टू नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन रे के अच्छे सॉरी ए इक्वेशन पुट करवा डेल्टा एक्स रो स्क्वायर अच्छी तो यहाँ को थर देदेली मुझे इक्वेशन टू यहाँ को देदेवि इक्वेशन थ्री ना पुट द वैल्यू इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू तेला के आस इज इक्वल्स टू इ मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इ मिनिमम लिखुची मुझे
एच क्रस र स्क्वायर डिवाइड बाय एट एम डेल्टा एक्स स्क्वायर थिला एच क्रस बाय टू एम ओमेगा नॉट सॉरी डेल्टा एक्स थिला हाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर थिला एटा तार वैल्यू केते एतकी तो एतकी लिखिलु आमे प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर अगेन एच क्रस बाय टू एम ओमेगा एटा केते आसला टू टू कैंसिल हो गए फोर एम एम कैंसिल हो गला एच क्रस लगे एच क्रस बाय फोर फोर गोटे सेकेंड एच क्रस कैंसिल हो गला टू टू एच क्रस ओमेगा ओमेगाटा ऊपर पड़े ठीक अच्छे एच क्रस ओमेगा नॉट बाय फोर हो एटा के हम वन बाय टू अच्छी वन बाय फोर एम एम कैनसल हो गला ओमेगा नॉट गोटे कैनसल हो गला एटा के रहा एच क्रस ओमेगा नॉट तो यहाँ के एच क्रस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर वन बाय टू हाफ एच क्रस ओमेगा नॉट यहाँ तुम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राम स्टेट एनर्जी कि ना हाफ एच क्रस ओमेगा आगे जनाला तो यहाँ भी प्रूव है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करके ठीक अच्छे तो आम आज तीन टा एप्लीकेशन पढ़िले फास्ट होची नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो ये तीन टा एप्लीकेशन आम आज पढ़ले तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली इन द टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन ओके सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर